शायद कमी हो, क्योंकि आर्ट के बारे में तो जितना कहा जाए उससे कम है, बट उससे भी ज़्यादा एक आर्टिस्ट मेहनत करता है, वो चाहता है कि उसकी आर्ट दुनिया भर में फैले, सब लोग देखें। एंड स्कल्पचर तो इंडियन ट्रेडिशन से हज़ारों सालों से जुड़ा हुआ है, और हमारे यहाँ कल्चर का ट्रेडिशन, मतलब स्कल्पचिंग का जो ट्रेडिशन है वो कब से है। आप हमारे पुराने मंदिर देखिए, अजंता एलोरा देखिए, ये देखिए। बट उससे भी ज़्यादा हार्दिक बधाई है पूनम जी को, सर को, कि इंडिया आर्ट टाइम्स के बैनर के अंडर वो ऐसे 100 आर्टिस्ट लेके आए हैं, और ऐसे आर्टिस्ट जिनके बारे में हम जानते नहीं, जिनका नाम हमने सुना नहीं, जो पूरे भारतवर्ष से इकट्ठे हुए हैं, और उनके काम को बम्बई जैसी महानगरी में अगर एक प्लेटफॉर्म मिलता है तो ये हमें लगता है हाँ ऐसा ही हो रहा है। ये रेडियो क्लब में ये क्या हो रहा है, कुछ लोग आए हैं, आज हम यहाँ क्यों हैं। पर इससे कोई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट, वर्ल्ड रेनाउंड पैदा हो सकता है, क्योंकि ऐसे ही तो काम नज़रों में आता है, नहीं तो कई आर्टिस्ट ऐसे हैं जो कहीं छुपे रह जाते हैं। तो मेरी फिर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं बहुत खुश हूँ, दिली रूप से खुश हूँ कि ऐसा हो रहा है और ऐसा हुआ है, और इतनी प्यारी एग्जीबिशन है और इतना प्यारा माहौल है। आप देखेंगे कि आने वाले वर्षों में इंडिया आर्ट टाइम्स का जो ये मुहिम है ये बढ़ती चली जाएगी और बहुत आगे जाएगी। थैंक यू वेरी मच। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर भी मिल जुल होते हैं। अब आर्ट, कोई भी आर्ट फॉर्म मेरे लिए, मैं इतना बॉक्स ऑफिस को चेस नहीं करता, मैं थोड़ा पैशन को ज़्यादा चेस करता हूँ। तो कोई भी आर्ट फॉर्म जो है आपका जुनून है, और आर्ट फॉर्म ही क्यों, कोई भी काम इंसान करता है, हम वो उसके लिए आर्ट ही है। घर में जब माँ खाना बनाती है वो भी एक आर्ट फॉर्म है, तो वो रोज़ जब अपने दिल से कुछ करते हैं हम लोग, तो उसमें हमारा प्यार झलकता है, इनका प्यार स्कल्पचर में झलकता है, हम लोगों का लिखने में और फिल्में बनाने में झलकता है। आजकल की मतलब दुनिया में हर चीज़ कमर्शलाइज होती जा रही है, तो शायद हम उसको उस नज़रों से देखते हैं, बट उसके पीछे की मेहनत और प्यार देखें तो कुछ और ज़्यादा समझ में आएगा जी। इतनी बातें हो चुकी हैं, इतना कुछ हो रहा है सियासती तौर पे कि हम हर कोई उसमें अगर कुछ बोलेगा तो शोर ही मचेगा, तो मेरे ख्याल से शांत रहना जरूर। The sculpture was little unjustified thing that has been showed in different galleries or in shows in a closed environment. It's not that they don't want to do it justice to the sculptures, it's because there are a lot of things involved in it, the sizes and the transportation and all. So it just came an idea that can we do this kind of show, and from there we started planning, and with the support of all the artists across, this show came up. So let's see how it happens and what the feedback we get in this 4 days, so that we can repeat this again. Yeah. Like teamwork, it was not done, can't be done by one person, so definitely there is a team behind it and everybody has put their best efforts to put this show on. From all ways I am supporting her, and as I am also an artist, so artist ki tarah main bhi shayad kuch kuch sochta hu, to he is very organized in his thought and very creative, so lot of support so in that discuss karte karte kai cheeze maine bhi apni input dali hain, to मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा ही सब कुछ है, बट एक्चुअली किया इन्होंने और घनश्याम जी ने है, मेरा थोड़ा बहुत इनपुट है हर जगह, और बस उतना ही मैं कहना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये इंडिया टाइम्स बैनर के साथ ये इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, और भी स्कल्प्टर्स इस बैनर से जुड़ें, और धीरे धीरे ये आगे की तरफ बढ़े। जैसा राकेश जी ने कहा कि हो सकता है यहाँ से कोई ऐसा बड़ा स्कल्प्टर निकल के आए जो कि दुनिया में नाम कमाए, तो शायद ये सोच के साथ ये प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है कि हर तरह के आर्टिस्ट आएँ और अपनी अपनी प्रतिभा दिखाएं, और लोगों को अगर वो पसंद आता है तो आगे बढ़ें।
बस मैं यही कहना चाहता हूँ, थैंक यू, कि हमारे साथ पूनम जी जैसे लोग कला प्रेमी साथ में जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आज हमें क्या पूरे बम्बई को एक कला का नया प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है, जहाँ शिल्पकारों को एक नया मौका मिलेगा, एक कमर्शियली मौका भी मिलेगा, कमर्शियली वाइबल प्लेस भी है, जो यहाँ पे आर्थिक मदद भी होगा कलाकारों को, यहाँ से स्कल्पचर मूर्तियाँ बिक भी सकेंगी, क्योंकि यहाँ आसानी से शहर के लोग आकर उनकी मूर्तियाँ खरीद भी सकते हैं जो पसंद आएगी, और यहाँ अलग अलग मटेरियल में, अलग अलग माध्यम में, फाइबर ग्लास, ब्रॉन्ज, टेराकोटा, सिरेमिक, स्क्रैप मेटल, ब्रॉन्ज, एल्युमिनियम, फाइबर ग्लास, इन सभी माध्यमों में एक ही जगह पे, एक ही टाइम पे 4 दिन चलने वाला ये कला शिल्प मेला, शिल्प फेयर, स्कल्पचर आर्ट फेयर, तो जो आपको कला से परिचित होगा, कलाकारों से परिचित होगा, आपको डायरेक्ट कलाकार से बात कर सकेंगे, उनकी कलाकृतियों को समझ सकेंगे, उनसे पूछ सकेंगे कि ये क्या बनाया है, क्या कहना चाहते हैं, आप एजुकेट भी हो सकते हैं कला से, और कलाकारों के बातों को जान सकते हैं, और ये एक सबके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा शहर के लोग यहाँ विजिट करें और हमारे सहयोगी कलाकारों का हौसला अफजाई करें, और यही मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।